पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ओम के नियम के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिरोध एवं उसकी निर्भरता। प्रतिरोध क्या होता है हम बता भी चुके हैं, थोड़ा और बता देते हैं। जैसे कोई चालक कार है, चालकों में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकों में जो बाह्यतम कोष होता है, संयोजकता कोष होता है, सबसे बाहर वाला कोष, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर नाभिक का आकर्षण सबसे कमजोर रहता है। तो चालकों में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ सबसे ढीली रहती है, वो ढीले बंधे रहते हैं। और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। और जब चालकों पर विभवांतर लगाया जाता है बैटरी लगाकर, तब ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, यानी एनोड की तरफ गति करते हैं। इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जैसे ये तो धातु के परमाणु होंगे, धातु के परमाणु सभी एक जैसे होते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो विभवांतर लगाने पर चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश बैटरी के धनसिरे की तरफ गति करेंगे। ये बैटरी को पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इनके मार्ग में कौन आएंगे, चालक के परमाणु आएंगे, उनसे इनकी टक्कर होगी जिससे गति में बाधा उत्पन्न होगी। आवेशों के मार्ग में ये बाधा ही क्या कहलाती है, चालकों का प्रतिरोध कहलाती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं बिना किसी बाधा के। तो जितनी अधिक बाधा इनके मार्ग में आएगी उतनी ही विद्युत धारा कम प्राप्त होगी। तो ये निर्भर करता है चालकों के प्रतिरोध पर कि चालक आवश्यक के मार्ग में कितनी बाधा खड़ी करता है। उसे हम कहेंगे चालकों का प्रतिरोध। विद्युत धारा प्रवाहित होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ और इलेक्ट्रॉन गति करता है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, धनावेश की तरफ गति करता है ऋणावेश से। तो चालकों में असंख्य परमाणु होते हैं, असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत से टकरा करते हैं, बहुत से आगे बढ़ते रहते हैं और धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में टकराएंगे तो उतनी ही फिर धारा कम प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर वन है इसमें चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा, एक तो चालकों की लंबाई पर। लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, चालकों का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आर समानुपाती आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, जहां एल क्या है, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसी अनुपात में चालक का प्रतिरोध भी
उतना ही अधिक होगा, और जितना चालक छोटा होगा उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में कम होगा। जैसे एक तार 20 मीटर लंबा है, एक तार है 5 मीटर लंबा, तो 20 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध उतना ही गुना कम हो जाएगा। तो R और L में सीधा संबंध है, समानुपात का संबंध है, एक दूसरे पर समानुपात में डिपेंड करते हैं। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ेगा। तो R और L में ग्राफ ऐसा आएगा, प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध में चालक की लंबाई के ग्राफ, ग्राफ बहुत इजी है और एग्जाम में आ ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। एक्स अक्ष पे हमने ले लिया एल लंबाई, ले ली चालक की, उत्तर का ले लिया चालक का प्रतिरोध ले लिया। नीचे जनरली वो चीज लेते हैं, वो राशि लेते हैं जिसमें परिवर्तन से दूसरी राशि में परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये क्या है, मूल बिंदु है। तो जब समानुपाती का संबंध होता है तो ग्राफ कैसा आता है, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। एग्जाम इस प्रकार से बनाना है तो बहुत आसान है। सेकंड नंबर है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, या चालक की मोटाई पर कह सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है किसी वस्तु को हम 90 डिग्री पर काटें, 90 डिग्री पर काटें या परपेंडिकुलर काटें, जैसे ये कोई है इसको हम इस प्रकार से काटें, सामने से कैसे दिखाई देगा, सामने का जो एरिया है वो कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा संबंध होता है यहाँ पर प्रतिरोध और मोटाई में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती। चालक का अनुप्रस्थ काट कितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना कम होगा चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो कैसा संबंध है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, एक के ऊपर एक लगाया गया तो ये हो गया व्युत्क्रम, हो गया उल्टा हो गया एक का। तो आर एक के व्युत्क्रम के समानुपाती है, या ये कह सकते हैं आर समानुपाती 1/a। तो यहां पर कैसा है संबंध है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो चालकों का प्रतिरोध घटेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा तो चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहां पर आर और ए में ग्राफ कैसा आएगा, आर है ए में ग्राफ प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ किस प्रकार से आएगा, एक्स अक्ष पे ले लो ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और वाई अक्ष पर ले लेते हैं प्रतिरोध। तो यहां पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ग्राफ ऐसा आएगा घटता हुआ है इस प्रकार से। तो ये है आर और एम ग्राफ, और आर और एक बटा एम भी ग्राफ पूछ सकते हैं, आर है 1/n ग्राफ। तो आर
एक बटा एक तो समानुपाती है, तो यानी एक बटा एक का मान जितना बढ़ेगा आर का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, और एक बटा एक का मान यानी एक का व्युत्क्रम जितना घटेगा आर का मान भी उतना ही घटेगा। तो यहाँ पर समानुपाती का संबंध हो जाएगा आर को एक बटा एम में। ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पर हम एक्स एक्स पर ले लेते हैं एक बटा ए, और वाई पर ले लेते हैं आर। तो ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक सर्व रेखा आएगा समानुपाती की तरह। तो आर और एक बटा ए ग्राफ कैसा होता है, सर्व रेखा मूल बिंदु से गुजरते हुए, और आर और केवल एम में ग्राफ कैसा आएगा, घटता हुआ आएगा, क्योंकि आर और एम में उल्टा संबंध है और आर और एक बटा एम में सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, वन अपॉन ए और आर। तो इनको ध्यान रखना। उसके बाद नंबर थर्ड है तापक, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंट, उनका ताप परिवर्तन से प्रतिरोध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। और एक होते हैं अर्धचालक, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कट जाता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कट जाता है। चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अर्धचालकों में क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत के प्रचालक होते हैं। लेकिन सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर अर्धचालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, बधे हुए या बधे इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में जर्मेनियम, सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है, ध्यान रखना। तो हम पढ़ चुके हैं चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और चालकों का प्रतिरोध ताप घटाने पर घटता है। तो ताप घटाने पर इनका प्रतिरोध कम होता जाता है, जैसे चालकता बढ़ती जाती है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा चालकता चालक की उतनी ही कम होगी, और जितना प्रतिरोध कम होगा चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकों का ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। तो चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और चालकों या धातुओं का प्रतिरोध ताप घटाने पर घटता है। तो यदि धातुओं या चालकों का ताप लगातार कम करते जाए तो प्रतिरोध भी लगातार कम होता जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आती है जब चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है
इस अवस्था में चालक अति चालक बन जाता है, अति चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इसे अति चालकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो ये है चालकों की पाप पर निर्भरता। नंबर फोर है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम, इनके बिल तुलना करें तो सबसे अधिक प्रतिरोध होता है एल्युमिनियम का, उससे कम होता है सोने का, उससे कम होता है कॉपर का, और सबसे कम होता है चांदी का। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है तो इसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। तो चालकता Ag की सबसे ज्यादा, कॉपर की उससे कम, उससे कम सोने की, और सबसे कम इन चारों में से एल्युमिनियम। तो चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक चालक है तांबा, उसके बाद सोना, फिर एल्युमिनियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसको हम समीकरण बन दे दें R proportional to L को, और इसको समीकरण दो दे दें और इसको एक साथ लिखें। समीकरण एक से दो से इन दोनों की अलग अलग बातें कर रहे थे कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विद्युत समानुपाती होता है। दोनों एक साथ अगर कहें तो कैसे कहेंगे, R proportional to L upon X। इसका मतलब भी वही है, दोनों एक साथ कह दिया हमने, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विद्युत समानुपाती। तो जैसा कि हम जानते हैं समानुपाती में कॉन्स्टेंट राशि आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रैक्टिकली, क्या आएगा जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो क्या फॉर्मूला है, R बराबर के एन ए, के ला या कैला, जैसा भी आप याद करना चाहो। इसका समीकरण तीन दे देते हैं, तो जहां ये क्या है समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई और नीचे के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। लंबाई में एक ही डायमेंशन होती है मीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में दो होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर में से एक घात कर जाएगी तो क्या बचेगी, वन अपॉन मीटर, और वन अपॉन मीटर है, मीटर इधर जाएगा तो आर से गुण होगा, आर का मात्रक क्या होगा ओम, ओम मीटर। तो के बराबर क्या है ओम मीटर, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ओम मीटर, ओम गुणा मीटर या ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की निर्भरता, तो यह केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
लंबाई से अल्पस्कार क्षेत्रफल से इसको कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर से, केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे लंबाई घटा दो या बढ़ा दो, मोटाई घटा दो या बढ़ा दो, विशिष्ट प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं आएगा, तो पदार्थ ही बदलेंगे, दूसरा पार लेंगे किसी अलग धातु का, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अलग होगी। तो समीकरण 3 में क्या कर दें, एल का मान 1 कर दें, एक का मान 1 कर दें, एल बराबर 1, ए बराबर 1, एल बराबर क्या हो 1 मीटर तथा ए बराबर क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आर बराबर किसके होगा, एल का मान 1, ए का मान 1, तो आर बराबर क्या बचेगा, के गुणा 1 या केवल के लिए, यानी प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन कौन से को, जिसमें चालक की लंबाई तो हो 1 मीटर और उसकी मोटाई हो 1 मीटर स्क्वायर, चालक की लंबाई कितनी हो 1 मीटर और चालक की मोटाई कितनी हो, अनुप्रस्थ काट के एरिया कितना हो, सामने वाला घेरा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ये है चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध।